नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके ही चैंबर में बंधक बना लिया और सदन की गरिमा को भंग की गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पुलिस को बुलानी पड़ी और देखते देखते विधानसभा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बड़ी तादाद में पुलिस बल विधानसभा भवन पहुंचे और विधायकों को घसीट घसीट कर सदन से बाहर किया गया। इस दौरान कई विधायक जख्मी हो गए और नीतीश सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया। इधर हाई वोल्टेज ड्रामे के ठीक पहले विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर के सभी दरवाजों को विपक्ष ने बंद कर दिया और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी हाथापाई की गई। राजधानी में आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर तांडव देखने को मिला। विधानसभा घेराव अभियान के नाम पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे पर हंगामा किया। इस दौरान पटना का डाक बंगला चौराहा रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस बैरिकेड को तोड़कर आरजेडी कार्यकर्ता हंगामे करने लगे। ईंट पत्थर से हमला किया गया। इसके बाद उपद्रव कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा। साथ ही उपद्रवी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी पुलिस ने इस्तेमाल किया। मंगलवार को बिहार विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। मंगलवार को विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस और आरजेडी नेताओं के बीच हुई भिड़ंत पर गुस्साए तेजस्वी ने सीएम को गोली चलाने की खुली चुनौती दे डाली। तेजस्वी ने ट्वीट के जरिए भी अपनी भड़ास निकाली है। उधर मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर राज्य की हेमंत सरकार पर हमला बोला। यही नहीं, विधायकों ने अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप भी लगाए। इसके साथ ही विपक्ष के विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए राज्य सरकार को सवालों से भागने वाली सरकार करार दिया। अभी हम लोगों ने कोई कैंडिडेट घोषणा नहीं किया है। चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय नहीं मतलब कार्यकर्ता को मिलेगा या इम्पोर्टेड नेता आएंगे वहाँ। ये आप हमारे हम लोगों ने चुनाव समिति में जो अपने प्रदेश का अध्यक्ष है और संगठन महामंत्री जी हैं और हमारे विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी, उसको हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है। मोतिहारी में हुई पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। इसी मामले में अब मोरवा विधायक रणविजय साहू, कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, नरकटिया विधायक शमी महमद सहित अन्य नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नेताओं का कहना है कि इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। आपको बता दें कि 16 मार्च को पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। इस दौरान पुलिस ने 54 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पवन जी के माताजी और पिताजी और परिवार के इस घटना से हम लोग इतनी मर्माहत है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार और महागठबंधन परिवार पूरा दुखी। हम न्याय के लिए चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है और हमेशा न्याय के लिए यह पार्टी लगातार संघर्ष किया है, तो आज पूरी घटना का अवलोकन करने के बाद जिस प्रकार से इनकी हत्या की गई, पवन गुप्ता की पैक्स अध्यक्ष थे वो और हमारे राष्ट्रीय। छपरा में मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल कोपा के जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में छपरा के विशेष अदालत ने विधायक सत्येंद्र यादव के खिलाफ जमानत याचिका खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि तारकेश्वर सिंह का शव 2 जुलाई 2007 को गांव के बाहर खेत से बरामद हुआ। साक्षी की हाजिरी पड़ी हुई थी सेशन ट्रायल 552A 2007 में। साक्षी का नाम है कुंदन कुमार सिंह और उसका मैंने परीक्षण कराया। जब तक मैं वहाँ था जीरा के लिए कोई नहीं आया मुदाला की तरफ से। उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ कि अगर कोई जीरा करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा मुदाला की ओर से कोई जीरा तो मुदाला पर गैर जमानती अधिपत्र।
पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौक के पास हाईवा की टक्कर से दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। दोनों मृतक भागलपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद चालक और खलासी हाईवा छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। शेखपुरा जिले के कसार थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्षा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूली ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक छात्र के परिजनों ने आरोपी चालक को पकड़कर घटना स्थल पर जमकर बवाल काटा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और किसी तरीके से हंगामे को शांत कराया गया। बच्चा आ रहा था स्कूल से, उसके बाद यहाँ आया और पीछे बाइक कर रहा था, गाड़ी स्पीड में आया, उसके बाद गाड़ी का ठोक दिया। कौन गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर उसका अगला पछला चक्का दोनों चढ़ा के पार कर दिया। देखिए बच्चा का खोपड़ी तक एकदम निकल गया है और प्लस ड्राइवर पकड़ाया है, लेकिन ड्राइवर के हम लोग देखे नहीं, लेकिन लास्ट पर सभी पर्सन बच्चा का तो क्लियर हमको अभी तक जो है कोई एड्रेस नहीं दे रहा है, तब हम कहाँ से बता रहे हैं? हम उसी में भीड़ से तभी भाग के आ रहे हैं। पुलिस उसकी पोस्टमार्टम कराई।